Respected Riyaz sir, ex principal Chavas, principal Farooq Raski sir, आज की महफिल की रौनक जनाब जुल्फार अली, यहाँ पर बैठे लेक्चरर हजरात और इनके साथ से मैं जो बाहर से गेस्ट आए हैं, मैं उन सबका वेलकम करता हूँ। सबको गुड आफ्टरनून। जो भी मुलाजम सर्विस इंटर करता है तो एक स्टेज आती है कि उसको रिटायर तो एट लास्ट होना है। एक फिक्स क्राइटेरिया बनाया है गवर्नमेंट ने कि एट द एज ऑफ, पहले 58 था तो अब उसको इन्हांस करके 60 कर दिया गया है। तो एट द एज ऑफ 60 जो है एक रिटायरमेंट एज जो है वो सेट कर दी जाती है। तो रिटायरमेंट जो है ये एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का। तो मैं इनकी रिटायरमेंट पे इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो खुशहाल है और ये एक जैसे पहले से ही एक अच्छाई के राह पर है, ये अच्छाई के राह पर काम करें। जैसे कि रियाज सर से पता चला कि इन्होंने एक जो है वो इस्लामिक लाइब्रेरी जो है कहीं उसकी फाउंडेशन की हुई है, तो अगर इस लाइब्रेरी से ये निकले हैं तो उस लाइब्रेरी में अपना योगदान दें, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें। जहाँ तक इनकी सक्सेस का तलक है, मुझे यहाँ पर तकरीबन इनके साथ 4 महीने काम करने का मौका मिला क्योंकि उसके बाद 2 महीने तो छुट्टियाँ थी। तो ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स जो हमारे पास सबसे जो मतलब एक हम कीमती कहें या हम एक सरमाया कहें, हम बच्चे जो हमारे वो हम जुल्फकार साहब के हैंड ओवर करते थे ड्यूरिंग वैकेंट पीरियड्स। तमाम बच्चे जो हैं हमने चेयर लगाई है वहाँ पर, आप सभी वहाँ लंच भी करेंगे, तो इनके हवाले हम उनको कर देते थे क्योंकि बच्चे जो हैं जब वो फ्री होते हैं तो वो शरारतें भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। लेकिन मैं जब भी इनके रूम में जाता हूँ, जब भी लाइब्रेरी में जाता रहा, तो वहाँ पर एक बड़ा ही शांत वातावरण, कूल एटमॉस्फेयर वहाँ पर पाया मैंने। वो इनकी बदौलत ही था। जो बच्चा वहाँ पर जाता था उसकी टाइम ऑफ एंट्री वहाँ नोट होती थी और जब बच्चा निकलता था तो टाइम एग्जिट जो था वहाँ नोट होता था। बच्चा कोई अगर किताब लेता था तो बुक का वहाँ पर रेफरेंस जो है वो लिखा जाता था कि कौन सी बुक जो बच्चा ले रहा है, और जब बच्चा चला जाता तो उस बुक जो है वो रिफंड कर ली जाती थी, बुक जो है वापस ले ली जाती थी। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वो एक सिस्टम चलाया। जहाँ तक इनकी लाइब्रेरी का तलब था तो जब मैं आया तो मैंने थोड़ा सा उसमें कमियाँ देखी, तो मैंने कोशिश की कि इनकी लाइब्रेरी को डेकोरेट किया जाए। तो मैंने कोशिश की, कुछ इन्होंने गमले वगैरह लाए आर्टिफिशियल या कुछ और चीज़ें, हमने उसको मेंटेन करने में कोशिश की कि लाइब्रेरी को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाए, मेंटेन किया जाए। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज करते हुए हमने लाइब्रेरी को मेंटेन किया और अच्छे तरीके से मेंटेन किया। जब भी इनको मैं कोई काम देता था वो बड़े अच्छे तरीके से हंसते हंसते, इनके मुंह पर एक ही बात होती है, यस सर, यस सर, ठीक है जी, ठीक है जी। और आगे दिनों में हम कैश बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहे थे तो ये कहने लगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने अब सीखी हैं, तो काश ये चीज़ें मैं पहले सीख पाता तो बड़े अच्छे तरीके से उनको कर पाता, तो नौकरी का मज़ा मुझे अब आया था। ये इनकी वर्डिंग है कि नौकरी का मज़ा अभी आया था। तो लेकिन ये टाइम जो था निश्चित होता है, ये फिक्स होता है टाइम। तो एक बार फिर से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। रियाज जी ने अपना एक वसी तजर्बा जो तो था हमारे साथ शेयर किया। तो जो आदमी का काम होता है वो बोलता है, इन्होंने यहाँ पर एफर्ट्स की तो आज भी इनके दिल में खुशी होगी कि मैंने ये काम किया था। जैसे ये पहले ही मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है ये हमने इसको साथ होकर बनवाया, जैसे ये जनरेटर का जिक्र कर रहे हैं, फुटस्टेट मशीन का जिक्र कर रहे हैं, आज भी इनके दिल में एक वो तसल्ली होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि ये काम मैंने स्कूल के लिए किए। तो अगर चुप करके आए, आंखें मूंद करके वो सर्विस की और यहाँ से निकल गए गेट से, तो वो आज कुछ भी नहीं कह पाते। तो कुछ काम है जो बोलते हैं। तो हमारी यहाँ पर अगर सर्विसेज हैं, हम पूरा स्टाफ जो है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं
अकेला प्रिंसिपल जो होता है वो कुछ नहीं कर सकता है, ये जो स्टाफ होते हैं उसके बाजू होते हैं, हम सभी मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हुए हम बच्चों की बेहबूदी के लिए अच्छे से अच्छा जो है वो स्कूल चलाएं और कोशिश करें कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो फैजयाब होकर जाए यहाँ से। जहाँ तक हमारे स्टाफ की एक परेशानी है कि हम अंडर स्टाफ हैं, हमारे पास 5 लेक्चर जो हैं, पहले 3 थे फिर 4 अब 5, 5 लेक्चर जो है हमारे पास नहीं है, हमारे पास 6 टीचर लोग जो है वो नहीं है, हमारे पास 2 लेक्चर नहीं है, कुल मिलाकर 13 टीचिंग स्टाफ हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो बच्चे जो आते हैं उनका कोई भी ऐसा पीरियड है जो ना लगे, मतलब पूरी तरह से एजुकेशन जो है बच्चे सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाए, वो एक हमारी कोशिश है और उसमें हमारा स्टाफ जो है पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है, टीचिंग और इवन के नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है और हम अच्छे तरीके से स्कूल जो है चला रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं इनको मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ।